हमारे साथ IFA ग्लोबल के CEO अभिषेक गोयनका आप जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताइए क्या वजह है फिर रुपए की गिरावट की? मेरे ख्याल से कोई बड़ी अनवाइंडिंग आई है आज मार्केट में, जिसके कारण रुपए में जो मॉर्निंग में जो थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी वो वापस अभी वीकनेस की तरफ आई है, और WPI का जो नंबर आया उसके कारण थोड़ी प्रेशर आई होगी इंट्राडे। बट अदरवाइज जैसा आपने कहा कि वे डॉलर इंडेक्स में डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, थोड़ी रिट्रेसमेंट आई है, तो उस हिसाब से रुपया को स्ट्रांग होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आई कंकर टू दैट कि वे स्ट्रांग होना चाहिए था। तो अभी जो कि रुपए की जो ओवरऑल ट्रेंड है वो तो खैर वीकनेस की तरफ ही है, मगर अगर BJP आ जाती है मेजोरिटी के साथ तो मेरे ख्याल से 66.80-66.50 तक मार्केट एक बार जा सकता है। Okay. वो एक अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग्स बनाने के लिए या इम्पोर्टर्स को कवर करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल तो हम लोग अगले साल तक फर्स्ट क्वार्टर तक 70 रुपए का टारगेट मेंटेन रखते हैं। और अगर कर्नाटक में BJP की सरकार नहीं आती है तो क्या एक एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलेगा या फिर जो होना था वो हो चुका है स्क्रीन पर? आई थिंक 30-35 पैसा झटके से मार्केट ऊपर जा सकता है। मई में 68-20 से ऊपर तो मार्केट नहीं जाना चाहिए, जो थोड़ा हायर लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दौरान। बाकी ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि मार्केट वीक है, तो अगर वो कांग्रेस आ जाती है तो डेफिनेटली 30 पैसे तक जा सकता है, बट काफी हद तक मार्केट में मेरे ख्याल से चीजें फैशन हो चुकी है। ओके, शुक्रिया अभिषेक आपका। तो अभिषेक ये कह रहे हैं मोटे तौर पे कोई ऐसा मैक्रो फैक्टर नहीं है, लेकिन कभी अचानक से अगर कोई बड़ा सेलर आ जाए तो उस समय आप मूवमेंट होते हुए देखते हैं। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि किसी ने डॉलर की बहुत तेज़ी से बाइंग की है, ऐसा लग रहा है अचानक से एक बाइंग देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं, कोई ऐसी दूसरी बड़ी वजह नहीं है। लेकिन चुनाव को लेकर, कर्नाटक के चुनाव पर अगर